पश्चिम बंगाल के गायघाटा में कुछ लोगों ने एक युवक के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक का इलाके के ही युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, किसी बात को लेकर दोनों का झगड़ा हुआ, जिसके बाद युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी मौत से गुस्साए लोगों ने प्रेमी के घर जाकर तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। रेवाड़ी में बिजली लाइन पर काम कर रहे बिजली विभाग के 55 वर्षीय कर्मचारी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक रमेश के परिजनों का कहना है कि रमेश रेवाड़ी के सेक्टर ए के विभाग में आदेश पर बिजली ठीक करने गया था, लेकिन लाइन पर काम करते वक्त करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बिजली विभाग के SDO की माने तो विभाग द्वारा हर लाइनमैन को सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी इसका उपयोग नहीं करते, जिस कारण ऐसे हादसे होते रहते हैं। मृतक का नाम रमेश कुमार गुप्ता है, रिश्ते में मेरे फुफाजी लगते हैं। बिजली में लाइनमैन फोरमैन के पद पर थे। रात को 11 बजे के करीब कंप्लेंट ठीक करने सेक्टर एक गए हुए थे। ट्रांसफार्मर ठीक करते वक्त उनका हाथ ट्रांसफार्मर को छू गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। अब इत्तफाक से जो इत्तफाक कार्रवाई की जा रही है, इत्तफाक से करंट लगने से क्या इसमें विभाग की भी कोई लापरवाही मानी जाए, क्योंकि जो सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाते हैं वो उस समय उनके पास नहीं। हमें इस प्रकार की कोई विभाग की कोई कंप्लेंट नहीं दी है, जो खुद ने गलती अपने इत्तफाक से करंट लगाया है, कोई किसी की गलती नहीं। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ते विवाद को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों को 4 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन लगता है कि डॉक्टर इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। ममता बनर्जी के अल्टीमेटम के बाद सागर दत्ता अस्पताल के 3 असिस्टेंट प्रोफेसर, 1 प्रोफेसर और 4 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन में अब सीनियर डॉक्टर भी कूद पड़े हैं। बुधवार से ठप हुई स्वास्थ्य सेवाएं गुरुवार को भी बहाल नहीं हो सकी। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्ल्ड कप के मैच पर क्रिकेट सट्टा खेलते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने उनके पास से 4 मोबाइल, 1 LCD और 15,000 कैश बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग घर में बैठकर सट्टे का धंधा चला रहे थे। बता दें कि आरोपी दोनों युवक दोस्त हैं और गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें हमें सूचना मिली कि काठमांडू में एक मकान के अंदर क्रिकेट सट्टा चल रहा है, जिस पे टीम तैयार की, टीम को मौके भेजा तो मौके से 2 युवक को काबू किया और 1 LCD है, 4 मोबाइल हैं, 15,000 रुपये कैश है, अभियोग अंकित कर लिया गया। रेफरेंस लाइब्रेरी का मामला सामने आने के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती ने कहा कि ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद वहां जाने वाले वे पहले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि 19 जून 1984 को वो वहां गए थे और उस समय किसी भी तरह की आग लगने की कोई निशान नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि अपने रिसर्च के दौरान फौज द्वारा वापस किए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 205 स्वरूपों में से एक भी उन्हें नहीं मिला है। जबकि उनसे पूछा गया कि यह स्वरूप कहाँ गए तो वेदांती बोले इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, उन्होंने दस्तखत कर फौज से सामान वापस लिया था। इसकी सीधी जवाबदेही SPGP की बनती है। वेदांती ने कहा कि ब्लू स्टार से पहले सिख रेफरेंस लाइब्रेरी में गुरु ग्रंथ साहिब के करीब 500 हस्तलिखित स्वरूप मौजूद थे। फौज द्वारा लौटाए गए किसी भी स्वरूप पर गुरु गोविंद सिंह जी के दस्तखत नहीं हुए थे।